हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स, जिनके थर्ड एक्सरसाइज। उनको करने से पहले कुछ हम बेसिक रूल्स सीखेंगे, जो कि पहला बेसिक रूल्स है स्टार्ट एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10 बाय राउंडिंग ऑफ। इनका मतलब ये होता है, वंस टेंस, जैसे मान लीजिए मैं एक डिजिट लिख रहा हूँ 4, 5, 6, 7, ये आपका वंस प्लेस हुआ, ये आपका टेंस प्लेस हुआ, तो ये दोनों के बीच में जो राउंडिंग होगा उसी को हम कहते हैं एस्टिमेटिंग राउंडिंग ऑफ। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड 4 आर नियरेस्ट टू 0 देन टू 10। राउंड ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 एज 0। नंबर 7, 6, 7, 8, 9 आर नियरर टू 10। कहने का मतलब है कि 1 से 10 तक के जो डिजिट होंगे उनमें से 1 से 4 तक का नियरर टू 0 हो जाएंगे। 1, 1, 2, 3, 4 तक के नियरर जो होंगे वो 0 हो जाएंगे, और 6, 7, 8, 9 के नियरर टू 10 हो जाएंगे। एक एक अलग केस बचता है 5, जो कि दोनों साइड में इक्वल हैं। इक्वल होने के बाद भी ये नियरर होंगे 10 के, ये एक अलग केस है, इनको याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल 28 के नियरेस्ट कौन सा होंगे? तो यहाँ पे 28 हैं, तो 8 1 से लेके 10 तक में 8 10 के करीब आता है, तो इसको हम 10 कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 30। जस्ट उसी तरह 32 को हम 2 0 के करीब आता है, तो ये हो जाएगा 30। जैसे 52 2 0 के करीब आता है, ये हो जाएगा 50। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 48 8, ये 10 के करीब आता है, ये हो जाएंगे 50। 64 4 0 के करीब होते हैं, ये हो जाएंगे 60। 59 ये 9 10 के करीब होते हैं, ये हो जाएंगे 60। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया हूँ। अगला एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100, अगला रूल है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग अप। जैसे 410 नियरर
टू 400 और टू 500। ये क्वेश्चन मेरे को कहा गया है कि 410, 410 एक डिजिट है जो कि 400 से 500 के बीच में किसके करीब आता है। तो 400 से 500 के बीच में मान लीजिए मैं एक अंडरलाइन खींचता हूँ, 400 बढ़ते जाएंगे, 450 बढ़ते जाएंगे, यहाँ 500 से 410 तो कुछ इधर होंगे यहाँ पे, तो ये 400 के करीब हैं, तो ये राउंडिंग ऑफ राउंड फिगर में इसको देखा जाए तो ये 400 के करीब है, इसलिए ये 410 जो है 400 हो जाएंगे। मैं लिख देता हूँ 1249 आर क्लोजर टू 0 और 51299 आर क्लोजर टू 100। क्लोजर टू 100 कुछ एग्जांपल्स इसके कर लेते हैं। और एक अलग केस है 50 50, क्योंकि बच जा रहा है 50 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 0 एंड 100 बोथ इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू राउंड इट ऑफ एस 100। इनके कुछ एग्जांपल्स एग्जांपल्स 4841। इसमें इनमें जो 41 है वो 50 से 49 से नीचे हैं, इसलिए ये 0 हो जाएंगे, तो 800 हो जाएंगे यहाँ पे राउंड फिगर में। और अगला क्वेश्चन जैसे एक लंबा लेते हैं 95 37, इनमें 37 तो 37 भी मतलब कि 0 के पास जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है 1249 रहेंगे तो 0 और 51299 रहेंगे तो 100, तो 37 है तो ये 0 हो जाएंगे, तो 9500 राउंड फिगर में देख करके। अब एक एग्जांपल 286 है, तो 86 ये 100 के नज़दीक हैं तो ये हो जाएंगे 300। और एक ले लेते हैं 57 50, एक 50 है तो 50 इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस फ्रॉम 0 एंड बोथ 100 इट इज़ कॉमन एज प्रैक्टिस टू राउंड इट ऑफ एज 100। ये जो भी 50 है वो 100 के पास से ले जाएंगे, तो 5800। अगला मैं बता रहा हूँ, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। वन टू 499 आर नियरर टू 0 501 टू 999 आर नियरर टू 1000।
केस हैं 500 जो कि दोनों के बीच में आते हैं, 500 इज ऑल्सो राउंडेड ऑफ एस 1000, जो एक से लेकर के 499 तक होंगे वो जीरो हो जाएंगे राउंड फिगर में, जो 501 से लेकर 499 होंगे वो राउंड फिगर में 1000 हो जाएंगे, और जो 500 रहेंगे जो दोनों के बीच में वो 1000 हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल 25, 37 इनको राउंड फिगर में देखा जाए तो इसको 1000 में देखना है, तो 1 times 100 1000 तो 537 तो ये 500 से ज़्यादा हैं, तो ये हो जाएंगे 3000। और एक एग्जांपल लेते हैं 53552, 552 है, यहाँ भी 500 से ज़्यादा हैं, ये हो जाएंगे 54000। ये 6404, ये देखिए 404 है, ये 500 से कम है, तो ये हो जाएंगे 6000। 7805, ये देखिए 500 से ज़्यादा है, ये हो जाएंगे 8000। अब एक लास्ट यहाँ पे मैं बताता हूँ, एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशन द 1000, 110, 1 6, 4, 9, 3, 9, 7, 5, 6, 2, 0, 5, 0 इनको ऐड करने हैं, ओ सॉरी ये नीचे कट जा रहा है, मैं आगे बता देता हूँ, मैं इनको आगे बता देता हूँ। इनको मैं यहाँ अलग बता दे रहा हूँ, थाउजेंड हंड्रेड टेंस वंस 39, 46, 69, 46, 65, 79, 20, 50 इनको ऐड करने हैं, तो 9, 6, 15, 5 और 16, 1, 17, 1 और 15, 1, 16, 15, 14, 15, 5 and 12। ये तरीका है एडिशन के एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशन, जो कि वंस के प्लेस पे हो उसको वंस के साथ रखना है, जो टेंस के प्लेस पे हो उसको टेंस के साथ, जो थाउजेंड के पास हो तो थाउजेंड के पास, जो हंड्रेड के पास हो हंड्रेड के पास, तीनों को जो जहाँ जहाँ है जैसे उनको वैसे एडजस्ट करके और फिर आपको एडिशन करने हैं। एक और राउंड ऑफ 1000 क्वेश्चन है, 17986 इज राउंड ऑफ 2000। फाइव 290 इज राउंड ऑफ
5000। एक क्वेश्चन है, एस्टिमेट यहाँ मैं लिख देता हूँ, एस्टिमेट 5290 प्लस 17987986, इनको एस्टिमेट करने हैं। इनको एस्टिमेट करने हैं तो मैंने इतना को एस्टिमेट किया तो 986 ये 1000 के करीब है, इसलिए ही 17000 से 18000 हो गए। और 290 ये 0 के करीब हैं, इसलिए ये 5000 हो गए। और एडिशन करने हैं इसलिए 18000 प्लस 5000 इक्वल 23000। इसको कहेंगे एस्टिमेटिंग सम, इसको एस्टिमेटिंग सम। एक क्वेश्चन और है, एस्टिमेट 5673 -436 5673 is round off to 673 है, ये 1000 के करीब है, 6000 हो जाएंगे। और 436 is round off to 36, ये 50 से नीचे हैं, ये 400 हो जाएंगे। और आपको निगेटिव करना है तो यहाँ पे एस्टिमेटिंग डिफरेंस, इतना नेगेटिव 400 इक्वल टू 400 इक्वल टू 53000। ओ सॉरी 396। अगला एग्जाम्पल, है टू एस्टिमेट प्रोडक्ट व्हाट इज द एस्टिमेट्स प्रोडक्ट्स 19 × 78। ये नियरेस्ट 10 में देखा जाएगा क्योंकि दो 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 डिजिट्स हैं, तो 19 इज राउंड ऑफ टू 19 के राउंड ऑफ देखा जाए तो ये हो जाएंगे 20। और 78 इज राउंड ऑफ टू 80, एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट हो जाएंगे 20 × 18 1600।
हंड्रेड के लिए पूछा गया है एस्टिमेट प्रोडक्ट 63 मल्टीप्लाई बाय 182 63 इक्वल इसको एस्टिमेट प्रोडक्ट एस्टिमेट राउंड ऑफ इसको करेंगे तो 100 हो जाएंगे और 182 को राउंड ऑफ करेंगे तो 200 हो जाएंगे। एस्टिमेटिंग ये एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट 100 मल्टीप्लाई बाय 200 20,000 हो गए। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की ओर। अब तो खुद से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर भी मैं करा देता हूँ एक्सरसाइज। वन पॉइंट थ्री पहला क्वेश्चन है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग जनरल रूल। क्वेश्चन नंबर ए में 730 + 998 730 को एस्टिमेट करेंगे हम तो 30 50 से कम है 700 और इनको एस्टिमेट करेंगे हम 98 है मतलब कि 1000 1000 तो एस्टिमेट सम है तो 700 + 1000 इक्वल 1700। क्वेश्चन नंबर बी 796 - 314 इसको एस्टिमेट करेंगे आप 96 है 800 इसको एस्टिमेट करेंगे आप 300 800 + 800 नेगेटिव 300 500 सी नंबर में आपको मिल जाएंगे 12904 + 2888 इसको आप इस्टीमेट कर देंगे तो आप 904 हैं तो 1000 हो जाएंगे तो 12000 से ये 13000 इसको इस्टीमेट कर देंगे 888 है ये 1000 हो जाएगा 3000 और इसको आप ऐड करना है 13000 + 3000 इक्वल टू 16000। डी नंबर 28 292 - 21 496 इनको एस्टिमेट कर देंगे तो ये 292 है मतलब ये 500 से कम है तो 28000 इसको एस्टिमेट कर देंगे ये भी 500 से कम है 21000 28000 नेगेटिव 21000 इक्वल 7000। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर टू ए नंबर में है 439 + 334 + 4
मैं इनको एस्टिमेट करके लिख रहा हूँ, तो ये 400 हो जा रहा है पॉजिटिव, ये 300 हो जा रहा है ये पॉजिटिव, ये 4000 हो जा रहा है पॉजिटिव। इनको ऐड करने के बाद, ऐड करने के बाद 4,3,900, 750 4,050 47,000। बुक में कुछ गलत दिए हुए हैं, बी नंबर क्वेश्चन 108,734 नेगेटिव 7,599। इनको राउंड अप करने के बाद हो जाएंगे ये 108, ये 1000 से जाएंगे ऊपर, तो 10,700 ये हो जाएंगे आपको राउंड राउंड फिगर करके 734 हैं, तो ये हो जाएंगे 734 है कम है, और नेगेटिव यहाँ पे हो जाएंगे आपके 47,600, नेगेटिव कर देंगे 6,110, सी नंबर 83,25 नेगेटिव 491, तो ये हो जाएंगे 83,000 नेगेटिव 500, ये इसका वन कन्वर्जन हो जाएंगे और ये इसका हो जाएंगे इक्वल 78,000। सॉरी 78,000 बी नंबर 489,348,48,365 राउंड के देखा जाए 489,300 नेगेटिव 484,000। इनको नेगेटिव किया जाए 44,09,00। कुछ इसमें गलत लग रहा है, 00 मैं नेगेटिव कर लेता हूँ, 0 में से 0 जाएंगे, 0,0,9,0,4,4 आई एम राइट, राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एस्टिमेट द फ्लोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एस्टिमेट द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। क्वेश्चन नंबर ए में है 578 मल्टीप्लाई बाय 161, 578 को अगर हम 578 इज राउंड ऑफ टू 600, 161 इज राउंड ऑफ टू 200, 600 मल्टीप्लाई 200
या क्वेश्चन नंबर बी 52, 81, 34, 91। इसको राउंड फिगर में देखा जाए, सिंपल ही मैं लिख देता हूँ, ना हो जाएंगे ये 281 जीरो हो जाएंगे। इनको देखा जाए तो 35, 30, 33, 000 हो जाएंगे। नो मल्टीप्लाई इक्वल टू 15, इतना हो जाएंगे ये सी नंबर 1291 मल्टीप्लाई 592। ये इनको राउंड फिगर में देखा जाए ये हो जाएंगे 1300। इनको राउंड फिगर में देखा जाए ये हो जाएंगे 600। ये 600 ये हो जाएंगे 78, 0, 000। ये आंसर हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी 92, 50 मल्टीप्लाई 29